आंखों में सपने इस घर में आए हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। भरे आंखों में सपने इस घर में आए हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। मैं घर के आंगन में कुछ सपने बोए हैं, कुछ मुरझाए कुछ पाए, कुछ पाकर खोए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हमको मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। घर आंखों में सपने हाँ इस घर में हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हम तो मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। गौरांग, माय गॉड, यहाँ घर में कोई भी चीज साफ सुथरा पारो पारो, तुम्हारे कहाँ चली गई पारो? मैंने मैंने पहले से कहा था कि गौरांग के आने से पहले ये सारी चीजें साफ सुथरी करवा दो। पारो, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं वहां बिजी हूं ना। ये टेलीफोन क्यों इतना डर्टी है? क्यों साफ नहीं हुआ? मैंने तुमसे कहा था गौरांग इज यूएस रिटन एंड ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दिस क्लीनलीनेस। अरे बाबा, मैंने साफ करवाया था, फिर से धूल जम गई होगी, मैं साफ कर देती हूँ ना। छोड़ो छोड़ो, जाओ तुम, करता हूँ। ओके, अच्छा खड़ी हो तुम, चलो साफ करो। अरे क्यों? अच्छा रुमाल ना? नहीं नहीं, ये मेरा पसीना वाला है, अपने दुपट्टे से साफ करो, चलो। अरे अभी तो यही रुमाल से साफ करने वाले थे ना। क्या कर रही हो? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? पारो, कोई दूसरा कपड़ा मंगवा लो, चलो साफ। नर्वस क्यों हो? नहीं तो ऐसे ये नाखून क्यों चबा रहे हो? वो अमेरिकन आएगा ना, तुम्हें नाखून चबाते देखेगा ना, तो बाहर से वापस चला जाएगा। शट अप शट अप। अच्छा, मैंने तुम्हें नाश्ता बनाने के लिए कहा था। अरे बाबा, सब कुछ रेडी है, रसगुल्ले हैं, खांडवी है, कचौड़ियां हैं और चाय। ओके ठीक है, ये सारी चीजें मुझे चखा देना एक बार। क्यों? वो राम है क्या? शबरी के जैसे सब कुछ चक चक के उसे खिलाना है? यूं ही समझ लो, ये गौरांग मेरे लिए राम भी साबित हो सकता है। तुम्हें पता है पारो, वीरा ग्लासवर्क्स वाली बहुत बड़ी कंपनी भी उसके पीछे पड़ी, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में अपने से खो दूं। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तो बिल्कुल नहीं, तो बनी बनाई बात बिगाड़ देने तुम औरों का जवाब नहीं कर पता। अच्छा ठीक है, तो जब तक मुझे कुछ पूछा नहीं जाएगा मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगी, बस। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारा ये ड्रेस चेंज कर लेना जरा। क्यों, इसमें क्या खराबी है? अभी तुमने टेलीफोन साफ किया ना, खराब हो गया। चलो गॉड, ये टेलीफोन ठीक से साफ किया है कि नहीं देखूं जरा। बहू, मैंने जो चीजें बताई है वो याद रही या फिर से बताऊं? नहीं माँ जी, मैं समझ गई। तो फिर उन सब चीजों को अच्छी तरह से पीस कर उसमें जरा सा मध मिलाकर रिद्धि को सुबह शाम चका देना, दो दिन में अच्छी हो जाएगी। ठीक है माँ जी। माँ जी हाँ, आप खुद ही क्यों नहीं बना देती? अरे ना बाबा, रिद्धि सिद्धि के मामले में कुछ भी करते हुए मुझे बहुत डर लगता है। हर ये तो तुमने बताया कि डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही, इसलिए मैंने ये नुस्खा बताया। माँ जी आप पहले भी तो ये नुस्खा बता सकते थे। अरे भाई, तुम लोग पढ़े लिखे ठहरे, शायद हमारे घर के नुस्खे तुम्हें पसंद आए या ना आए, और फिर रिद्धि के मामले में ये नुस्खा कहीं गलत पड़ गया या उल्टा हो गया तो मेरी तो मुसीबत। ऐसा क्यों सोचते हैं बहू? ये तुम खुद ही सोच कि सब लोग तुम्हारी बच्ची के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। पन्ना भाभी, काम हो गया। कौन सा काम राजू? मैंने स्वामी जी को यहाँ आने के लिए राजी कर लिया है। कौन से स्वामी जी? स्वामी भोगीनाथ, पेपर में आजकल छपता ना उनके बारे में रोज, वही। वो खुद यहाँ आने वाले हैं। हाँ मगर उनकी एक शर्त है। कौन सी शर्त? यही कि हम अड़ोस पड़ोस वालों को या रिश्तेदार दोस्तों को किसी को ना बुलाएं। उनको क्या है, भीड़ भाड़ पसंद नहीं है।
और हाँ, उनके शिष्य ने कहा है कि कल गौ पूजा है तो वो सिर्फ गाय का दूध पिएंगे, शहद और इलायची डालकर। और दूसरा उन्होंने कहा है कि चलेगा चलेगा, हम उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे। पर राजू पन्ना, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। नहीं मामी जी, दरअसल मैं आपको बताना भूल गया था। ठीक है राजू, लेकिन पन्ना तो इस बात को जानती थी, इसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है पन्ना, तुमने मुझे ना बताया ना सही, जी मैं सचमुच आपको बताना भूल गई थी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, हो सकता है। लेकिन पन्ना, मैं प्यार से एक बात बताना जरूर चाहूंगी। राजू पन्ना, तुम लोग ऐसे चमत्कारों को नमस्कार मत करो। देखो हमारे अपने कुल स्वामी भी है ना, कितने सुलझे हुए संत हैं, और समय समय पर हमें रास्ता दिखाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने चमत्कार करके किस्मत बदलने की बातें की नहीं की ना। तो फिर इसीलिए कह रही हूँ पन्ना, राजू तुम लोग ऐसे ढोंगी और दुतारे स्वामी के पीछे मत भागो अंधे बनकर। मामी जी, ये ढोंगी स्वामी नहीं है, अरे ये तो संत पुरुष है और पैसा एक भी नहीं लेते। हाँ, अगर हम अपनी मर्जी से कुछ दान वान दे तो भी मुश्किल से स्वीकारते हैं। बहुत ज्ञानी और ध्यानी पुरुष है, उनके स्पर्श में ही लोगों को हटाने की शक्ति है और उनकी मुस्कुराहट में भी करुणा का भाव है। ये काफी प्रभावशाली लगता। सुरेंद्रनाथ? सुरेंद्र नहीं, निर्मलनाथ या शिष्य कहो, अगर गलती से भी सच्चा नाम बोल दिया ना तो भांडा फूट जाएगा। अरे भाई, मैंने तो मौन व्रत धारण किए कई साल हो गए, फिर भी हमें सावधानी बरतनी होगी। मुझे पता चला है कि वो जाड़िया दिखने में भले सीधा साधा हो पर है बड़ा चालाक, अगर सुरेंद्र नाम लिखते हुए देख लिया ना तो शक करेगा। अरे भाई, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उस पर ऐसा प्रभाव डाला है कि वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। और ये स्माइल कैसा लगता है हमारे चेहरे पर? प्रभु प्रभु। और करुणा कैसी लगती है हमारे चेहरे पर? यार तुम तो धीरे धीरे प्रोफेशनल होते जा रहे हो। बकरा भी तो ऐसा है, नानावटी के पास काफी पैसे हैं, अगर वो हमारी जाल में फंस गया तो हमारी तो लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ। एक बात पूछूं? जो? तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, फिर तुम्हें ये काम करना बुरा नहीं लगता? पहले लगता था पर अब नहीं, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि हर वो आदमी जिनके पास थोड़ा कुछ हुनर हो वो किसी को भी लुटता है, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, बिल्डर हो या नानावटी जैसे बड़े कारखाने का मालिक हो। वो लोग धंधा करते हैं, पैसे कमाते हैं, लोगों को लूटते हैं। 10 रुपए की चीज के पीछे 2-5 रुपए कमाना ये धंधा है, पर 10 के पीछे 15 कमाना ये ठगाई है। और ऐसे लोगों को ठगने में मुझे कोई दुख नहीं होता। और रही बात मेहनत की, वो तो मैं भी करता हूँ। देखो ये पाउडर कैसे ढूंढ निकाला। अरे ये तो कमाल की चीज ढूंढी है तूने, हाथ में लगाओ तो कुछ नहीं लगता, मगर सर पे लगे तेल से मिलते ही कुमकुम हो जाता है, कुमकुम, और सीधे साधे इंसान को भी चमत्कारिक संत बना देता है। मगर वो लोगों ने सर पे तेल नहीं लगाया होगा तो? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर तो देख लेना ये पाउडर का कमाल। कमाल नहीं, चमत्कार। और मैंने दूसरे चमत्कार का भी प्लान करके रखा है, जिसे उन लोगों के मन में तुम महात्मा हो जाओगे। और हाँ, ये करुणा वाली स्माइल बनाकर रखना और मौन धारण रखना, बाकी मैं देख लूंगा। बाहर बहुत गर्मी है ना गौरांग? मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, तुम्हारी हालत बहुत बुरी हुई होगी ना, वहां अमेरिका में इतनी ठंडी, यहाँ इतनी गर्मी। समीर, कैन वी टॉक ऑफ समथिंग एल्स? ये सर्दी गर्मी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। एवरीवन नोज अबाउट दैट। अब गर्मी है तो है, सो व्हाट? वेल, हम कोई और बात करते हैं, ठीक है? तुम्हें एक और कौन सा टॉपिक में इंटरेस्ट है बताओ? इंप्रेस करना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैं तो दोस्ती बढ़ाना चाहता हूँ यार। आफ्टर ऑल एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनने के लिए एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स जानना भी जरूरी है ना। दैट्स राइट। हेलो। हेलो बरवा। बाय द वे, ही इज गौरांग, गौरांग पटेल। हेलो। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और गौरांग, शी इज माय वाइफ। आपको पहले कहीं देखा है? नहीं तो पहले ये कभी अमेरिका नहीं आई, या जाके आई हो मुझे पूछे बगैर?
नहीं नहीं फिर भी मैंने ओ यस आप ही है ना गुजराती रानी गंगा नहीं यार गौरांग शी इज माय वाइफ पारुल अतः समीर वो मेरी फिल्म की बात कर रहे हैं है ना सही पहचाना डोंट टेल मी यू आर द सेम पारुल अतः आई डोंट बिलीव दिस ओ माय गॉड मैंने आपकी फिल्म पहली बार लॉस एंजलिस में वीडियो पर देखी थी व्हाट अ फिल्म व्हाट अ परफॉर्मेंस I never thought a Gujarati film could be so good until I saw the film. Thanks a lot. Sameer, you're a very lucky man कि आपको ऐसी बीवी मिली है. Certainly, certainly, you are very right. और तुम्हें एक और बात बता दूँ. ये जितनी अच्छी एक्टिंग करती है उतनी अच्छी चाय भी बनाती है बल्कि ज्यादा मैं अभी लाई हाँ अरे बैठिए भाभी चाय को मारिए गोलिए हम लोग बातें करते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है एक काम करते हैं काम करते हैं और तुम गौरांग से बातें करो मैं चाय लेकर आता हूँ ओके फाइन ठीक है अच्छा भाभी अब ये बताइए अब आप क्या करते हैं अरे सुनो महाराज पारो ने वो नाश्ता बनाया है वो कहाँ रखा तुमने पारो भाभी ने कौन सा नाश्ता बनाया अरे क्यों वो खांडवी रसगुल्ले कचौड़ियाँ वो सब बनाया था ना उसने कहाँ रखा नाश्ता बताओ वो नाश्ता तो मैंने बनाया और उन्होंने अपने नाम चढ़ा दिया वाह भाभी वाह जिसने भी बनाया और रखा कहाँ है नाश्ता ये रहा तैयार है डिश में ओके ठीक है और चाय चाय तो बनानी पड़ेगी बनानी पड़ेगी तो बनाओ नहीं मैं नहीं बना पाऊंगा क्यों नहीं बना पाऊंगा वो स्वामी भोगीनाथ है ना उनको खास सगड़ी में दूध उबाल के देना है तो वो सगड़ी साफ करते करते मेरे हाथ मैले हो गए पर सगड़ी साफ नहीं हुई देखो क्या कर रहे हो स्टूपिड दूर रखो आप अच्छा मुझे बताओ मैं बना लूंगा चाय लाओ आपको आती है हाँ तो मुझे बताते जाओ मुझे इंस्ट्रक्शन देते जाओ मैं अच्छा अच्छा ये देखो ये चाय का डिब्बा है हाँ वही उसे कर लेकर एक चमची चाय इस पतेल में डाल दो खुल नहीं रहा है डिब्बा उसे जरा तरकीब से मेहनत से खोलना पड़ता है क्या कर शटअप नहीं मतलब ये चाय और नाश्ता मिक्स हो गया सब क्या करेंगे एक काम करो ये नाश्ता अलग प्लेट में कर दो चलो जल्दी लेकिन मेरे हाथ गॉड ऐसे डिब्बे रखते क्यों हो किचन में तुम लोग मैंने तो कहा था पारू भाभी से कि मुझे नए ला दो पर उन्होंने ही कहा कि जो है उससे चला लो अब क्या करें ये सारा क्या हुआ देखिए अरे क्या कर दिया ये सब महाराज तुम हटो मैं बना कर देती हूँ पारू कहाँ है पारो वो तो यूं हुआ भाभी कि मैंने और पारो ने डिसाइड किया सडनली कि एक दिन के लिए हम दोनों एक दूसरे के काम एक्सचेंज कर लें वो बिजनेस करने जाए और मैं सारा घर का काम अच्छा अच्छा ऐसे ही बस वो तो पास हो जाएगी लेकिन तुम फेल मैं मदद करूं नहीं क्योंकि चाय भी बनानी है भाभी मैं बना कर देती लेट मी टेल यू भाभी आई एम इम्प्रेस्ड विद यू कमाल का जनरल नॉलेज है आपका सिर्फ फिल्मों का नहीं कारगिल से लेकर कोसोवा तक कहाँ क्या चल रहा है सब जानती हैं आप सब न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है हाँ कहाँ क्या मिलता है कौन से शॉपिंग सेंटर में कौन सी दुकान में क्या सस्ता मिलता है क्या महंगा मिलता है क्या अच्छा मिलता है क्या बुरा मिलता है सब जानती हैं आप आई माइट साउंड लाइक अ रिच बोर्ड हाउसवाइफ बट लेट मी टेल यू वन थिंग हमारा सबसे बड़ा टाइम पास ही है शॉपिंग करना इनफैक्ट मैं ये मानती हूँ कि हमारे हस्बैंड्स कमाते हैं इसलिए कि हम शॉपिंग कर सके वेल आई एम जस्ट जोकिंग नो बट आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या कहते हैं आई एम सॉरी मैं बहुत सारी इंग्लिश यूज कर रहा हूँ पर तुम कॉन्शियस एफर्ट करके तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है उसका ख्याल रखती हो और दुनिया किस तरफ जाती है उस तरफ जाने का प्रयत्न भी करती हो नाउ यू आर फ्लैटरिंग मी आई एम सीरियस आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि पोन चाइना की हिस्ट्री के बारे में भी तुम्हें पता है आई हैव टू कन्फेस तुम आने वाले थे ना इसलिए मैंने बुक लाकर पढ़ ली दैट इज डेडिकेशन फॉर मी अरे सफलता के लिए इतनी मेहनत करती हो तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग व्हाई डोंट यू जॉइन अस इन आवर प्रोजेक्ट अरे जरूर जरूर गौरांग डेफिनेटली हमारे इस प्रोजेक्ट में पारो हमें कदम कदम पर साथ देगी है ना अगर तुम चाहते हो तो जरूर दूंगी दैट्स वंडरफुल मुझे लगता है मेरी भूख और बढ़ गई है लीजिए राजू तुम्हारे स्वामी जी अभी तक आए नहीं मैं भी वही सोच रहा था नहीं शायद आज आश्रम में भक्तों की भीड़ ज्यादा होगी इसलिए देरी हो गई होगी लेकिन वो पक्का आएंगे ना हाँ वचन के वो बड़े पक्के हैं और वैसे भी मैं ये देखो आ गए स्वामी
जी आइए। स्वामी जी की जय हो। स्वामी जी की जय मत बोल, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ओह आई एम सॉरी। पधारिए स्वामी जी। स्वामी जी आपसे प्रतीक्षा करवाने के लिए क्षमा मांग रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप हमें? नहीं नहीं, वो सबको एक समान मानते हैं। दरअसल हम समय पर ही निकल गए थे, पर रास्ते में जरा देर हो गई। हुआ यूं कि हमारे सामने एक अकस्मात हो गया। एक गरीब बेचारे को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। बेचारा उठ ही नहीं पा रहा था। पर किस्मत देखो उसकी, टक्कर खाकर गिरा तो कहां, स्वामी के चरणों में। दो मिनट में नॉर्मल, नेचुरली। स्वामी जी बता रहे ये किसी बड़ी हस्ती का घर लगता है। यहाँ कितनी मुसीबतें आई और चली गई, फिर भी सब एक है। कितना पवित्र घर है। स्वामी जी आप हमारे घर बता रहे, हमें बहुत आनंद हुआ। आशा है कि हमने जो आपको बताया वो सब किया होगा। हाँ हमने किया है, हमने चंदन के साबुन से स्नान किया है और सर में नारियल का तेल लगाया है, वो भी बिना किसी परफ्यूम का, शुद्ध नारियल तेल। क्या कह रहे स्वामी जी? स्वामी जी कह रहे कि आज गौ दिन है, इसलिए आज का पूरा दिन जितना हो सके इतना ध्यान में बिताना चाहिए। और सिर पे नारियल का तेल लगाने से सिर शांत होता है, और शरीर पे चंदन लगाने से शरीर सुगंधित रहता है, इसलिए ध्यान में सुविधा रहती है, इसलिए हमारा ये आग्रह था। स्वामी जी आपको आशीर्वाद के लिए बुलाते हैं। आपकी आत्मा इतनी उच्च है कि माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, इसका सबूत है ये कुमकुम। कुमकुम? हाँ भाभी सचमुच आपके सर पर तो कुमकुम है, देखो। स्वामी जी ये सब कैसे हुआ? हमने आपको कहा ना, माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं आप? स्वामी जी को आप में माँ का स्वरूप दिखाई देता है, और माँ के आशीर्वाद से आपका एक बेटी है, दो भी हो सकती है। हाँ हाँ दो बेटी है, रिद्धि और सिद्धि। मैं कहता था ना स्वामी जी सचमुच बहुत चमत्कारिक साधु हैं। स्वामी जी लीजिए। स्वामी जी कह रहे हैं कि बाहर खड़ी गाय को ये दूध दे के आओ। नहीं नहीं सॉरी स्वामी जी, हमारे यहाँ गाय कभी नहीं आती। आप जरा देखिए। हाँ अरे पनाह भाई, एक गाय सचमुच हमारे कंपाउंड में घुसने की कोशिश कर रही है। स्वामी जी आप तो सचमुच महान है स्वामी जी। आज गौ दिन है ना, इसलिए वो स्वामी जी से आशीर्वाद लेने आई है। अच्छा। स्वामी जी कह रहे कि ये दूध उस ग्वाले को दे आओ जो गौ माता के साथ आया है। हाँ? स्वामी जी मैं आपके आश्रम में आना चाहूंगी दोबारा आपके दर्शन करने के लिए। मैं भी। एक महल हो सपनों का।